आज हम लोग मनोहरी गणित कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न का जो है उसका प्रश्नावली 1A का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक तो सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर पिछले वीडियोस या फिर क्वेश्चंस को नहीं लगाए हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर उस क्वेश्चन को पिछले वीडियो को देख करके आप लोग लगा भी सकते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें वह हाईएस्ट संख्या प्राप्त करना है जिससे तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए इनकी संख्या को ज्ञात करते हैं। पहले नंबर्स को लिख लेते हैं कि किस क्या ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और इसका नंबर क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है और 13 में हमें क्या ज्ञात करना है, 378 180 और 420 का HCF निकालना है। इसका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। ठीक है, तो चलिए इसका HCF ज्ञात करते हैं। सबसे छोटी संख्या हमें 180 है, 180 को उठाएंगे। उसके बाद से 378 लिखेंगे, में 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 1 बार में। डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार मिल जाएगा, हमारा 2 बार में जाएगा। तो कितना आएगा, 360 आएगा। माइनस करेंगे 8 आएगा, 7 में से जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अभी तो कट गया, फिर अब इसको क्या करेंगे, 180 लिखेंगे। 180 में कितनी बार में करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा हमारा, 1 बार में। 18 तो कट जाएगा, ये 0 आएगा तो यहाँ पर 0 लिख करके इस 0 को करेंगे तो ये 0 आएगा। और हमारा क्या प्राप्त हुआ है, ये हमारा 18 पूरा जो है 18 से पूरा 180 विभाजित हो गया, फिर यहाँ 0 लिखा कट कर ले। ठीक है, इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ। अब इसको क्या यूक्लिड विभाजन रूप में लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन से इस रूप में लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन का आपको फार्मूला होना चाहिए पता, a बराबर बी क्यू प्लस में r, ये फार्मूला हमें याद रहना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में हमने इसको बताया है, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको एग्जाम के समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दिक्कतें आएंगी। तो क्या लिखेंगे, 378 इक्वल टू 180 इंटू 2, रिमाइंडर प्लस 18 आया। अभी हमारा आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद से लिखेंगे दूसरा पद, 180 इक्वल टू 18 इंटू 10, रिमाइंडर हमारा 0, यानी कि आर बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या पता चला, 180 और 378 का जो है कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 आ रहा है। ठीक है,
इन दोनों का तो पता चल गया, अब हमें वो संख्या ढूंढनी है जिससे ये दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो सके। ये तीनों संख्याएं, उस संख्या को ढूंढनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। चलिए इसके आगे का देखते हैं। इसके आगे में हमें किसमें करना है, तो इसके आगे हमारा दिया है 420 में, और किससे करेंगे, तो ये हमारा सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त हुई, 18 से, 18 से करेंगे 420 में। चलिए करके देखते हैं इसका, 420 में और 18 से करना है, कितनी बार में जाए, 18 2 जा 36, 2 में 6 जाएगा नहीं, 12 में 6 जाएगा तो 6, इसका फिर करेंगे 83 जा 54, 18 3 जा कितना होगा हमारा 54, 0 में 6 जाएगा नहीं, 10 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना होगा, 10 में से हमारा 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, उसके बाद 18 को उठाएंगे, 6 3 जा 18, यानी कि हमारा 6 से पूरी तरह से विभाजित। इसको भी यूक्लिड विभाजन में लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखना जरूरी है विभाजन से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 420 इक्वल टू कितने से किए, 18 से, 18 इंटू 25 रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा बचा 6, आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। फिर दूसरा क्वेश्चन, 18 इक्वल टू किसमें किए हैं, 6 से किए हैं, कितनी बार गया, 3 बार गया, रिमाइंडर 0, आर बराबर 0, तो क्या लिखेंगे भाषा के रूप में, भाषा लिखना अनिवार्य है, तो लिखेंगे अतः अतः 378, 180 और 420 का HCF बराबर 6 है। ये क्या हमारा आंसर है, बताएंगे कि 6 हमारा वह सबसे छोटा संख्या या बड़ी संख्या है, 6 हमारा वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे हम क्या कर सकते हैं, 378, 180 और 420 को पूरी तरह से काट सकते हैं। इसलिए हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 6 है, जो क्या कर सकता है, सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियो से पहले प्राप्त हो सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी क्लास 10th NCERT मैथ को सॉल्यूशन पाने में आसानी हो।